हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रिपल लेयर फुली लोडेड चीज सैंडविच की रेसिपी, जो खाने में जितना टेस्टी है बनाने में उतना ही आसान है। मैंने इसे तवे पे बनाया है और खाने में एकदम जूसी, क्रीमी और टेस्टी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैंने लिया है मीडियम साइज का टमाटर और उसके बाद मैंने एक छोटा साइज का प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। स्वीट कॉर्न मैंने आधा कप बॉईल करके लिया है और एक छोटा साइज का कैप्सिकम, अगर आपके पास कैप्सिकम बड़ा वाला हो तो आप हाफ को बारीक बारीक चॉप कर लें, और ये 100 ग्राम पनीर है। अब इन सब चीज़ों को आप एक बोल में डाल के मिक्स कर लें। इसमें ऑरिगेनो मैंने डाला है 1.5 टीस्पून। इसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स डाला है 1 टीस्पून। अगर आप चिली नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। और इसमें अमूल की जो डाइस चीज़ आती है, जो प्रोसेस चीज़ होती है, वो मैंने आधा कप डाला है। आप कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं। चीज़ को अब आप इन सब्जियों के अंदर डाल दें और इन सब्जियों को अच्छे से चीज़ के साथ मिक्स कर दें, सो दैट जो भी सब्जियां हैं, जो भी मसाले हैं, चीज़ के साथ अच्छे से कोट हो जाएं। तो ये हमारा सैंडविच का स्टफिंग का मिक्सचर रेडी है। अब इस मिक्सचर को मैं दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि हमको इसको डिफरेंट फ्लेवर देना है। तो एक अलग से बोल में मैंने इसको निकाल लिया है। अब एक मिक्सर वाले बोल में मैंने डाली है 2 टेबलस्पून वेज मेयोनीज। आप मेयोनीज को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट 2 टेबलस्पून सफिशेंट है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें मेयोनीज वाले मिक्सर को। और जो दूसरे बोल में हमारा वेजिटेबल का मिक्सर है, उसके अंदर आप 1.5 से 2 टेबलस्पून पिज्ज़ा सॉस डाल दें। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसको टोमेटो केचप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट ट्राई ये करें कि आप पिज्ज़ा सॉस डालें। इससे बहुत ही ज़्यादा शानदार फ्लेवर आता है, हम लोगों के सैंडविच में बहुत अच्छा बनता है। अब मैंने लिए हैं 3 ब्रेड स्लाइसेस। एक सैंडविच बनाने के लिए 3 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए। एक स्लाइस पे आप दोनों साइड पे अच्छे से बटर लगाएं। एक साइड पे मैंने बटर लगा लिया है। अब मैं इसको फ्लिप करके दूसरे साइड पे भी अच्छे से बटर लगा रही हूँ। इस पीस को हमने गोल्डन क्रिस्प करना है, इसको अच्छे से सेकना है। इससे क्या होगा, आपके सैंडविच में एक क्रिस्पीनेस आ जाएगा और टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्रेड स्लाइस को दोनों साइड से अलट के पलट के आप गोल्डन ब्राउन होने तक सेकें, और गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये क्रिस्पी हो जाएगा। अब मैंने इसको निकाल के ट्रे पे रख लिया है। अब मैंने जो 2 ब्रेड स्लाइसेस है उनमें से एक स्लाइस लिया है, उसके ऊपर मैंने बटर लगाया है। अब आप इस पे मेयोनीज की एक लेयर लगा दें और इसको इवनली स्प्रेड कर दें इस तरीके से। अब सबसे पहले जो पिज्ज़ा सॉस वाला मिक्सचर था वेजिटेबल्स का, उसको मैं इस पे फैला दूंगी अच्छे से। बहुत ही ज़्यादा फुली लोडेड सैंडविच बनके तैयार होता है और खाने में ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाज़ार में भी जो सैंडविच हम खाते हैं उसमें भी काफ़ी सारी स्टफिंग होती है, इसलिए बहुत टेस्टी लगता है। तो अब ये पिज्ज़ा वाली जो सॉस वाली वेजिटेबल्स हैं, इसके बाद मैंने इस पर मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा चीज़ वाला सैंडविच बहुत पसंद है, इसलिए मैं चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। अब मोज़रेला चीज़ के बाद ये जो क्रिस्पी वाला ब्रेड का स्लाइस है वो लगा दिया है। इसके ऊपर आप टोमेटो केचप लगा दें और टोमेटो केचप को आप अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दें इस ब्रेड पीस के ऊपर। अब इसके ऊपर आप फैला दें मेयोनीज वाली वेजिटेबल की स्टफिंग जो हमने बना के रखी थी। मेयोनीज की स्टफिंग को भी इवनली स्प्रेड कर लेने के बाद अब आप इस पे फिर से मोज़रेला चीज़ यानी कि पिज्ज़ा चीज़ डाल दें, और अब एंड में इसको तीसरे ब्रेड स्लाइस से कवर कर देना है। इस पे कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। अब इसके ऊपर इसके सरफेस पे मैंने पिज्ज़ा सॉस लगा दिया है और इसको आप इवनली स्प्रेड कर दें और भी बेटर टेस्ट के लिए। थोड़ा सा पिज्ज़ा सॉस मैंने स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर, और लास्ट में फाइनली फिर से मोज़रेला चीज़, क्योंकि चीज़ी सैंडविच है ये, तो इसमें बहुत सारा चीज़ मैंने यूज़ किया है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक पैन में बटर लेना है। बटर को अच्छे से आप पैन पे इस तरीके से फैला लें। गैस का फ्लेम आपने लो ही रखना है। अब ये जो सैंडविच हमने बना के रखा था, इसको आप पैन में इस तरीके से रख दें। आप चाहें तो इसमें ब्लैक ऑलिव्स जो स्लाइस्ड वाले आते हैं वो, और स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, आपने पकाना है कम से कम 7 से 8 मिनट तक। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखो सैंडविच हम लोगों का रेडी है। अब मैंने इसको इस तरीके से ट्रे पे निकाल लिया है। बहुत
ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम सैंडविच की। फाइनली इसके ऊपर आप थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दें और चाहें तो थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल दें। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसकी जो बीच वाली ब्रेड है वो काफ़ी क्रिस्पी है, तो जब मैं कट कर रही थी तो मेरे को नाइफ से फील हो रहा था कि ये काफ़ी क्रिस्पी सैंडविच बना है। और अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखो, इट हैज़ अ लॉट ऑफ चीज़, बहुत ज़्यादा चीज़ है, बहुत टेस्टी है, बहुत जूसी चीज़ी और क्रीमी सैंडविच बना है। तो एक बार इसको ट्राई करना ज़रूर बनता है। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर या सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।